हे गाइस, वेलकम टू MKG AK मोबाइल का गेमर। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने अपने एडवेंचर कंप्लीट किया था, जो हम उन दो विलेज में गए थे। वहाँ से हम अपने लिए काफ़ी सारा सामान लाए थे, जो मैंने पीछे उस चेस्ट में रखा हुआ है। ये वाली जो चेस्ट है, इसमें मैंने रखा था सामान। और बता दूँ मैं, हम आज क्या करेंगे? आज हम ट्रेनिंग करना सीखेंगे विलेजर से। ये जो मेरे घर के पास विलेज है, वहाँ पर काफ़ी सारे विलेजर्स हैं, तो मैंने अभी तक उनसे ट्रेडिंग नहीं की है। तो आज हम ट्रेडिंग करना सीखेंगे विलेजर्स की। तो यार, बिना किसी देरी करे इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ओके यार, तो ट्रेनिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैंने ऑफलाइन क्या क्या किया था। तो देखो, ऑफलाइन मेरे को, मैं जब काम कर रहा था तो मेरे को मकड़ियाँ मिली थी बाहर, तो मैंने उनको मार के ये चार स्ट्रिंग्स मिली थी और ये दो स्पाइडर आए। तो स्पाइडर आए का तो कुछ नहीं करना है, जो चार स्ट्रिंग्स हैं इससे हम बना लेंगे अपना आज बो, और उसको एनचेंट भी कर लेंगे। तो अभी और एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैं माइनिंग कर रहा था अपने लिए डायमंड्स की, तो मेरे को देखो क्या मिल गया, मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। ओके यार, तो मैंने बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट माइनिंग कर दी थी दूसरी साइड, और देखो पहली बात तो मेरे को लावा मिल गया कितना सारा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें ऑब्सीडियन की तो कुछ कमी होगी नहीं। और सामने चलते हुए ये मेरे को मिले डायमंड्स, ये देखो पूरे 8 डायमंड्स हैं, पर हमें 8 से ज़्यादा मिले हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्च्यून 1 है। और यहाँ पर भी दिखा दूँ, ये देखो मेरे को लावा मिल गया है यहाँ पे। तो आपको भी चाहिए तो इस कोऑर्डिनेट पे आ जाना, आपको पक्की तरह से मिल जाएंगे यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ कि मेरे को कितने डायमंड्स मिलते हैं। मेरी जो पिकैक्स है उस पर फॉर्च्यून 1 लगा हुआ है, तो लेट्स सी। ओके, 3, 4, 7, ओके भाई, 11 डायमंड्स मिल गए हमें। मतलब 8 ब्लॉक से हमें 11 मिले हैं। तो यार काफ़ी अच्छी बात है कि फॉर्च्यून 1 अच्छी तरह काम कर रहा है हमारा। तो चलो अब ऊपर चलते हैं और अपने लिए एक बो बना लेते हैं, उसे हम बाद में एनचेंट करेंगे। और मेरे जो डायमंड्स हैं, इन्हें मैं यहाँ रख देता हूँ। तो 12 हो गए मेरे पास अभी। ओके, तो चलो अब हमारा बो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी थोड़ी सी स्टिक्स, तो स्टिक्स बना लेते हैं। ओके, अब हमें देखना पड़ेगा बो के लिए। तो ऐसे बन जाएगा हमारा बो, तो देख सकते हो हमें मिल गया हमारे पास एक बो। तो अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि इसके लिए हमारे पास एरोज़ नहीं है, वो हमें स्केलेटन वगैरह को मार के मिलती हैं। मैं भूल गया था कि एरोज़ भी हम बना सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सामान ज़्यादा लगता है। हमें चाहिए होगा एक फ्लिंट, जो मेरे पास है, और एक फेदर चाहिए होगी, और एक स्टिक चाहिए होगी जो मेरे पास है। तो इससे हम बना लेंगे एक एरो, ये देखो। ओके, तो 4 एरोज़ बन गए। मैं आपको जल्दी से एक चला के दिखा दूँगा क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर जैसे ही मेरे को इन्फिनिटी मिलेगी, मैं इस पर लगा दूँगा। उससे क्या होगा, हमारे पास चाहे एक ही एरो हो, हम अनलिमिटेड टाइम बो चला सकते हैं। तो देखो, आपको ऐसे दबा के रखना है और इसे छोड़ देना है, और आप चाहे तो इसे कलेक्ट कर सकते हो वापस। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम जाते हैं यहाँ पे विलेज के पास। ओके, तो वहाँ पर हैं विलेजर्स। ओके, तो ये रहा एक, तो इससे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ओके, तो ये आर्मर देगा, तो हमें तो चाहिए नहीं आर्मर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी शायद आर्मर ही देगा। और दूसरा वाला कहाँ गया भाई, एक और घूम रहा था। बस इतने ही हैं क्या विलेजर्स? ओके, तो वो रहा फार्मर भी, ये वाला, इससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमें कोल के बदले एमरल्ड देगा, तो मैं जल्दी से अपने लिए कोल ले आता हूँ थोड़ा सा। 15 कोल के बदले एक एमरल्ड। और भाई ये देखो यहाँ पर कौन है, ये पिलेजर है, इसको अभी नहीं मारना वरना रेड हो जाएगी। तो हम देखेंगे कब मारना है। वैसे इसका बैनर वाला जो मेन लीडर है वो आया नहीं है, उसको मारने से रेड होती है। तो मैं अभी वैसे इसे पंगे तो नहीं लेना चाहूँगा। चलो, तो मुझे चाहिए था कोल थोड़ा सा, वैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर पड़ा है क्या मेरे पास। ओके, एक है, और इसमें नहीं है, इसमें भी 3 हैं,
और मैं थोड़ा नीचे से देख के आता हूँ, हो सकता है वहाँ पे मिल जाए मुझे। ओके भाई, तो काफ़ी है यहाँ पे, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ अगर इतना काफ़ी रहेगा ट्रेडिंग के लिए। और मैं साथ ही साथ खाना भी खा लूँ। चलते हैं वहीं पे। वैसे यार अभी मुझे थोड़ा टाइम बाद एक कार्टोग्राफिक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये एक विलेजर है, ये मतलब इसके पास कोई भी काम नहीं है, तो एक कार्टोग्राफिक टेबल बनानी पड़ेगी। अच्छा तो ये था वो फार्मर। ओके, तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है, जो आपका स्कोल है उस पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रेड कर देना है। और देखो हमारे पास एमरल्ड आ गए, तो मैं देख लेता हूँ। ओके, दो ही आ पाए हमारे पास, क्योंकि कोल हमारे पास इतना नहीं था। और देख सकते हो हमारे पास दो एमरल्ड आ चुके हैं। और ये के विलेजर्स है, इसके लिए मैं देखता हूँ कार्टोग्राफिक टेबल अगर बन जाए उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। मैप वगैरह तो चाहिए होगा, तो देखते हैं अगर हम बना लें उसे जल्दी से, क्योंकि देखो काफ़ी सारे विलेजर्स के पास कोई काम नहीं है। ओके, तो मैं रेसिपी देखता हूँ एक बार। ओके, तो हमें दो मैप्स और एक वो चाहिए, तीन चाहिए होंगे, सॉरी चार प्लैंक्स। तो मैं जल्दी से पेपर ले आता हूँ, शायद नहीं है मेरे पास पेपर, और वैसे होना तो चाहिए यार। ओके है, तो मैं जल्दी से एक टेबल बना लूँ अपने लिए। उसके लिए मेरे को प्लैंक्स चाहिए होंगे थोड़े से। ओके यार, मेरे पास प्लैंक्स भी ख़त्म हो गए हैं। यस, चार चाहिए ना, मेरे पास एक ही है। अच्छा मेरे पास वहाँ पे रखे यार, सॉरी मैं भूल गया था। तो मैं जल्दी से एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, और मैं सो जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं अब, जल्दी से वहाँ टेबल रख के आ जाएंगे। तो ये एक विलेजर है, अगर हम इसके पास एक टेबल रख दें तो इसे उसे उसका काम मिल जाएगा। ओके, तो देखो ये बन गया, देखते हैं इसके पास हमें क्या मिलेगा। ओके, तो ये 24 पेपर के बदले देगा हमें एक एमरल्ड, और एक एमरल्ड के बदले हमें मिलेगा एक एम्प्टी मैप। पता नहीं ये ट्रेजर मैप होगा कि नहीं, मैं एक बार ट्रेड करके देखता हूँ। ओके यार, ये एम्प्टी मैप ही है। तो हाँ मतलब ये हमारे विलेज का एक मैप है ऑलमोस्ट। चलो यार कोई बात नहीं, एक एमरल्ड हमारा चला गया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपने लिए एक एक्सपी फार्म। तो एक्सपी फार्म हम कहीं इस जगह बनाएंगे, यहाँ मेरे पोर्टल के बिल्कुल अपोजिट साइड, मतलब मेरे फार्म के पास, ये जो है ये वाला हम यहाँ पर बनाएंगे। वो एक मॉब एक्सपी फार्म ही होगा, जो नॉर्मली बनता है 20 ब्लॉक्स लंबा। तो अभी हम क्या करते हैं, अपनी जो बो है उसे एन्चेंट कर लेते हैं। तो मेरे पास बुक थी एक, मैं निकालता हूँ। ओके, मेंडिंग है, हाँ ये रही फ्लेम, तो मैं जल्दी से वो निकाल लेता हूँ। अच्छा ऊपर जाके एन्चेंट करना पड़ेगा, यहाँ ये। तो मैं अपनी क्या करूँगा, बो यहाँ पे रख दूँगा और जो मेरी बुक है इसे यहाँ पे रख दूँगा। तो देखो मेरे पास एक फ्लेम वन की वो आ गई बो। अब मैं बताता हूँ इससे क्या होगा, आप जैसे ही ये किसी को मारोगे तो जो बो एरो निकलेगा उसमें आग लगी होगी। ये देखो ऐसे यार, ऐसे काम करेगा ये। और ये मैं वापस मिल गया, बस मुझे एक इन्फिनिटी और मिल जाए तो यार ये काफ़ी अच्छी बन जाएंगी। उसके बाद तो अनब्रेकिंग और पंच वन हमें, पंच वगैरह हम इसमें लगा ही लेंगे, वो तो मिल जाती है। क्योंकि मैं बो इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि नेदर में काफ़ी काम आती है, नेदर में हम इससे दूर से मॉब्स मार सकते हैं। और बस मेरे को ट्राइडेंट और चाहिए ताकि हम वाटर मॉब से भी लड़ पाएँ। ओके यार, तो आज हमने क्या किया, आज हमने विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग की और हमें थोड़े से डायमंड्स भी मिल गए, जो हमारी फॉर्च्यून वन पिकैक्स थी। और हमने कार्टोग्राफिक टेबल बनाई और हमारे पास बो भी आ गया है,
ये देख सकते हो अभी इसमें सिर्फ फ्लेम वन है, बस मुझे इन्फिनिटी वगैरह भी चाहिए ताकि इससे हम काफ़ी अच्छा बन जाए और हम नेदर में जाके फिर मॉब से लड़ पाएँ। और डायमंड्स तो हमारे पास आ चुके हैं, मैं ऑफलाइन और काम करूँगा ताकि मैं अपने लिए फुल डायमंड आर्मर बना पाऊँ और एक स्वॉर्ड बना पाऊँ डायमंड की। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तब तक के लिए बाय।